एसएम न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। बगल सब आजकल जैसे कि कोरेगांव के अंदर जब अपने महापुरुषों के स्तंभ को सलूट करने जाते हैं तो उनपे सरे आम इस तरीके से हमला होता है, क्या व्यवस्था चली आ रही है? एक तरफ कहते हैं कि देश संविधान से चलता है और संविधान को सब लोगों ने ताक पर रख दिया। देखिए, संविधान को तो खत्म करना चाहते हैं। जैसे आपने एक केंद्रीय मंत्री हैं अनंत हेगड़े जी, उन्होंने बयान भी दिया कि हम संविधान को बदलने के लिए आए हैं, तो ये उनकी मानसिकता का परिचायक है कि भाई वो संविधान को बदलने आए हैं। संविधान बदलने की बात तो आप तब करें ना कि जब आप संविधान को पूरी तरह से लागू करें। अभी आपने लागू कहाँ किया है? और संविधान अगर बदलने की बात आप कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि आप जो दबे कुचले पिछड़े लोग हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, जो शोषित पीड़ित लोग हैं, उनके अधिकारों का दमन करना चाहते हैं। और इसी मानसिकता के चलते ये जो दलितों पे, बहुजनों पे अत्याचार हो रहे हैं जगह जगह, ये उसी मानसिकता का परिचायक हैं। वो नहीं चाहते कि ये जो समाज हजारों साल से दबा कुचला रहा और पूज्य बाबा साहब के आने के बाद, उनके पुण्य कर्मों के बाद, ये समाज इज्जत से जीना सीखा, लड़ना सीखा, अपने अधिकारों को हासिल करने का जब इसमें जज्बा पैदा हुआ, तो आज वो ये चाहते नहीं है कि ये इनकी बराबरी में आए। उसी मानसिकता जो ब्राह्मणवादी मानसिकता है, जो मनुवादी मानसिकता है कि जिसमें एक व्यक्ति सबसे ऊपर है और फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा और फिर लास्ट में सबसे नीचे, ये शोषित पीड़ित समाज, जिसमें वो जैसे साहब काशीराम जी कहते थे कि ये एक ऐसी छत है, बाबा साहब ने भी कहा कि भाई ये एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें सब ऊपर से नीचे तक कोई सीढ़ी नहीं है, जो जहाँ बैठा है वहाँ बैठा है। तो उस व्यवस्था को ये आज भी लागू करना चाहते हैं और इनकी मानसिकता अभी भी वही रूढ़िवादी और दूषित मानसिकता है, गंदी मानसिकता है, वो विकसित नहीं हुई, वो निर्मल नहीं हुई ताकि ये लोगों को संविधान के अनुसार उनका अधिकार दे सकें। तो वो उसी मानसिकता के चलते ये सारे हमले हो रहे हैं, चाहे ऊना में हो, चाहे कोरेगांव में हो, या हर दिन होते हुए जैसे आप देख रहे हैं कि लगभग हर 3 मिनट में यहाँ बहन बेटियों के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट होता है और हर 8 मिनट में एक दलित समाज की लड़की के साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है। ये सब उसी मानसिकता का परिचायक है। वो नहीं चाहते कि हम लोग समानता हासिल करें, हम लोग बराबरी का दर्जा हासिल करें और हम मान सम्मान का जीवन जी सकें। सर, कहा जाता है कि बहुजन समाज, दलित समाज यहाँ का मूल निवासी है, मूल निवासी, आप लोग कहते हैं मूल निवासी है जी। लेकिन सर, इनके हाथ में सत्ता जाने का क्या कारण हुआ कि आज जो मनुवादी हाथ में सत्ता चली गई? देखिए, ये एक आज का नहीं है, अगर इतिहास में हम जाएं तो 3.5-4 साल हजार साल पुराना ये सारा का सारा इतिहास है। और जिस तरह से शुरू में ये जब लोग आए यहाँ पर, आर्यन से आए, और उसके बाद इन्होंने जिस तरह से यहाँ के जो लोग थे उन्हें अनार्य कहा, राक्षस कहा, जबकि वो यहाँ के मूल निवासी थे, और उनका जिस तरह से इन्होंने दमन किया, उस दमन का सिलसिला लगातार ये अपने षड्यंत्रों से लगातार उसको बरकरार रखे रहे। और इन्होंने जो धर्मशास्त्र बनाए उनको ना पढ़ने देने का, उनका उच्चारण ना करने देने का मकसद क्या था? सिर्फ यही था कि इनकी जो चालबाजियां हैं, इनका जो षड्यंत्र है, वो हम लोग ना जान पाएं। सिर्फ यही कारण था, और कुछ नहीं था। अन्यथा तो अगर कोई शूद्र उसका जो है उच्चारण करे तो उसकी जीभ काट लेना, और यदि वो किसी शूद्र के कान में पड़ जाए, इनके जो ग्रंथ हैं उनका जो एक शब्द भी कान में पड़ जाए तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा ये लाख डाल देना, ये यही तो था कि इनका जो षड्यंत्र है, जो इन्होंने दुष्चक्र बनाया था, वो समझ में ना आ जाए लोगों के, वो बरकरार रहे। तो वो सिलसिला लगातार चलता रहा। और ये तो पुण्य बाबा, पूज्य बाबा साहब के शुभ कर्मों का, उनके कर्मों का परिणाम है कि हमें अधिकार मिले उनके आने के बाद। उन्होंने इतना विस्तृत संविधान बनाया और संविधान सभा ने पास किया और हमें कुछ अधिकार मिल पाए, और उसके बाद ही हम पढ़ पाए, आगे बढ़ पाए। तो ये जो अब इन्हें बर्दाश्त नहीं कि हजारों साल तक इन्होंने दबा के रखा और अब इनके साथ बराबरी में बैठे हैं। इसलिए जैसे कि कोरे गांव के अंदर जो पेशवा और महारों का या जो अंग्रेजों का जो ये बताया जाता है कि भाई यहाँ के जो 500 महारों ने पेशवाओं को खदेड़ खदेड़ कर भगाया था और मारा था उन्हें, अगर उन्हें अंग्रेजों से नफरत है या ये दलितों से नफरत है? नहीं, देखिए, अंग्रेजों से उन्हें नफरत यूं है कि अंग्रेजों के आने के बाद पहली बार यहाँ पर जो गलत और गंदी जो नीतियाँ चल रही थी, जो मनुवाद पर आधारित न्याय व्यवस्था चल रही थी,
उसको उन्होंने चुनौती दी। जैसे अंग्रेजों ने यहाँ शिक्षा का प्रचार किया सबके लिए, इन्होंने शिक्षा का प्रचार केवल ब्राह्मण के लिए कहा कि ब्राह्मण पढ़ेगा और पढ़ाएगा, या फिर क्षत्रिय समाज के लिए और या फिर वैश्य समाज के लिए। इतनी बड़ी जो संख्या जो यहाँ की मूल निवासी थे शूद्र, उनको तो पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था, और अंग्रेजों ने यहाँ आके उन्हें पढ़ने का अधिकार दिया, तो ये इनकी व्यवस्था के खिलाफ था। इस चीज को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। दूसरे, यहाँ जो बाल हत्या होती थी, जो बच्चियों की हत्या होती थी, लड़कियों की हत्या होती थी, जो सती प्रथा थी, इस तरह के जितने भी गंदे इनके कानून थे, नियम थे, उनके विरुद्ध अंग्रेजों ने कानून बनाए, इसलिए अंग्रेज इनके दुश्मन हुए, और कोई कारण नहीं था। अंग्रेजों के विरुद्ध जो हुआ, और मैं तो कहूँगा कि मुझे कहने में कोई शक नहीं है, कोई कहने में झिझक नहीं है, कि अंग्रेज अगर इस देश में नहीं आते तो कम से कम शूद्र समाज जो यहाँ का मूल निवासी है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसे अपने जीवन के अधिकार नहीं मिलते। क्योंकि अगर हम देखें तो अंग्रेजों के आने के बाद ही राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले, उन्हें पढ़ने का अधिकार मिल पाया। माता सावित्रीबाई फूले, उन्हें पढ़ने का अधिकार मिलवाया। पूज्य बाबा साहब पढ़ पाए, और बाबा साहब के पढ़ने के बाद ही हमें ये सारे अधिकार मिल पाए। तो ये जो भी कहेंगे, ये सारा अपने स्वार्थ के हिसाब से, अपने दृष्टिकोण से कहते हैं। न्यायिक दृष्टिकोण कभी इनका नहीं रहा, और ना ही इनका आज भी वो दृष्टिकोण है। तो जो इनके दृष्टिकोण में फिट बैठता है उसको सही कहते हैं, बाकी को गलत कहते हैं। सर, जिनसे नफरत करते हैं, जैसे अंग्रेजों ने नफरत की, तो इंडिया गेट भी अंग्रेजों को बनाया हुआ है, ये लोहे का पुल भी अंग्रेजों को बनाया हुआ है, और जिसके अंदर जो पार्लियामेंट चल रहा है ये भी तो अंग्रेजों को बनाया हुआ है। केवल इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? केवल पार्लियामेंट नहीं है, जो राष्ट्रपति भवन है जिसमें ये सब लोग शान से बैठते हैं, उसमें ब्राह्मणवादी परंपरा को मानने वाले भी रहे हैं, तो ये सब उसी को, उसको क्यों नहीं खत्म करते फिर, उसको भी ढाए। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, केवल यही नहीं है। आप कलकत्ता में देख रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल क्या है, वो सभी नहीं गए हैं। कितनी ही जगह हैं जो अंग्रेजों के समय की बनी हुई हैं, लेकिन उसे क्यों नहीं खत्म करते, उससे दिक्कत नहीं है इनको। इनको यह है कि उनके आने से जो अधिकार मिल गए उन लोगों को, जिन्हें हजारों साल तक दबाया जाता रहा, वो इनकी बराबरी न करें। एक बार आपने देखा होगा, मैं बताता हूं, ये सत्यमेव जयते आया था, उसमें दिखाया था, बाकायदा बनारस के एक पंडे ने कहा, उसको कहा, वो कहता नहीं, हम तो भारतीय संविधान को मानते ही नहीं, हम तो जो है मनुस्मृति, हम उसको मानते हैं, और मनुस्मृति में शूद्र को किसी भी तरह से बराबरी का हक मिल ही नहीं सकता, वो पैरों से पैदा हुआ है और वो पैरों में ही रहेगा, वो कभी हमारे बराबर नहीं हो सकता। ये मानसिकता है इनकी, जगह जगह झलकती है। कल एक हुंकार रैली थी, मैं अब मीडिया की प्रशंसा, सोशल मीडिया की प्रशंसा नहीं मैं कर रहा हूँ, कल जितने भी चैनल थे, जिन चैनलों को आवाम देखती है, पूरी जनता देखती है, लेकिन जो ओंकार रैली थी, उस ओंकार रैली को सुबह से ही उन्होंने ये कहना स्टार्ट कर दिया है कि जीएसटी के तहत और ये 26 जनवरी जो आ रही है उसके तहत रैली पोस्टपोन्ड हो गई है, तो ये मीडिया के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया बिका हुआ मीडिया है, ब्राह्मणवादी मीडिया है, दूषित मानसिकता का परिचय दे रहा है मीडिया अपना। मीडिया अगर ये कहता है, और बहुत उसने इसका बड़ा दूषित प्रचार भी किया कि रैली कैंसिल कर दी गई है, रैली के लिए परमिशन नहीं मिली, लेकिन कल आप भी वहां पे थे, मैं भी वहां पे था, अगर रैली की परमिशन नहीं थी तो वहां पे पार्लियामेंट स्ट्रीट पे स्टेज कैसे बन गई स्टेज, और वो एक ऐसा नहीं है कि घंटे भर में बनी हो, उस स्टेज को बनाने में कम से कम 6 से 7 घंटे कम से कम लगे होंगे, जितनी बड़ी वो स्टेज थी। सामने जो है फर्श भी बिछे थे, आगे कुर्सियां भी बिछी थी, और हजारों की संख्या में कल वहां पे थे। लेकिन उस सबके बावजूद भी, क्योंकि मीडिया नहीं चाहता कि एक शोषित पीड़ित समाज का, एक बहुजन समाज का व्यक्ति, या उससे जुड़े हुए नौजवान जो इस देश में बहुत बुरी तरह से पीड़ित हैं, दुखी हैं, जिन्हें रोजगार नहीं है, जिन्हें खाने के लिए रोटी नहीं है, जिन्हें शिक्षा का लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, वो सारे के सारे वहां थे। तो सरकार उनसे डरी हुई है और नहीं चाहती कि ये सारे इकट्ठे हों, और ये मीडिया सरकार का आज की तारीख में गुलाम बना हुआ है। तो ये मीडिया जिस तरह से कर रहा है, ये सारा का सारा मीडिया का किया धरा। लेकिन उस सबके बावजूद भी आपने देखा, सफल रैली हुई और मीडिया के इस दुष्प्रचार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। सर, मेरा कहने का मतलब ये था कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इस तरीके की गुमराह कर रहा है, और आज जो सोशल मीडिया उभर के आया है, तो सोशल मीडिया का क्या देन है बहुजन समाज की? देखिए, मैं कहता हूं, अगर बहुजन समाज को जागृत करने में वर्तमान में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का भी है तो वो सोशल मीडिया का है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता, ये फेसबुक, ये ट्विटर,
ये आपके जो व्हाट्सएप, ये जो सोशल मीडिया के जितने भी साधन हैं, अगर ये नहीं होते तो समाज इतनी मजबूती से जागृत नहीं होता। आज अगर एक घटना होती है, ये कोरेगांव की जो घटना हुई है, आप ये ना समझे कि इसका विरोध केवल यहीं पे हुआ है देश में, इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के कई देशों में इसका विरोध हुआ है। ये सब सोशल मीडिया की देन है, क्योंकि मीडिया तो दिखा नहीं रहा। मीडिया तो युवा हंकार रैली को कह रहा कि रैली कैंसिल कर दी गई, और प्रचार ये किया जा रहा था कि पुलिस कार्रवाई करेगी अगर वो लोग वहाँ पे इकट्ठा होंगे। लेकिन आपने देखा, बाकायदा परमिशन थी, बाकायदा रैली हुई, सारे सब कुछ हुआ। तो ये जो सोशल मीडिया है, मैं निश्चित रूप से इस सोशल मीडिया के जो भी जन्मदाता हैं या आज की तारीख में जो भी इसको चला रहे हैं, उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्हीं की बदौलत आज हम इतनी दूर होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे को अपनी बात बता सकते हैं, एक दूसरे की पीड़ा को सुन सकते हैं, और उसमें जहाँ भी खड़े हो सकते हैं शामिल हो सकते हैं, खड़े हो रहे हैं। और साथ साथ मैं कहूँगा, आप जैसे जो यूट्यूब न्यूज़ का, यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल करके दुनिया भर में इस शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समाज की, बहुजन समाज की जो न्यूज़ पहुंचा रहे हैं, आप जैसे न्यूज़ चैनल वाले साथी, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं, जिनकी वजह से इस समाज की जो बात कोई नहीं उठाता, कहीं नहीं उठती, और उसकी बात को दबाने की और उसे दबाने की पूरी तरह से समाज को ही दफन करने की बात होती है, उन सब से अलग हटके आप सब लोग समाज को उभारने की, इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया और आप जैसे साथी धन्यवाद के पात्र हैं, आप सबका बहुत बड़ा योगदान है।